ओके, मोहम्मद शमी दूसरा ओवर लाते हुए। पहला ओवर बहुत महंगा गया, लेकिन फिर भी एक और मौका रोहित शर्मा का, मोहम्मद शमी को। पहली बॉल डॉट, बट डॉट बॉल से यहाँ काम बनेगा नहीं, यहाँ पे विकेट चाहिए। तो शमी विकेट चाहिए, विकेट, यू कैन डू इट, विकेट मिलेगा, जरूर मिलेगा। ओ बहुत अच्छी बॉल, बहुत अच्छी बॉल। एंड स्विंग, अगली बॉल, ओह मिल गया विकेट, मिल गया विकेट, ऐसे लगा मिल गया विकेट। यस, मुझे लगा था यहाँ पे शमी एक विकेट जरूर मिलेगा, शमी आया तो विकेट आएगा, भले ही रन पड़े पर विकेट आएगा, और विकेट से ही जीत सकती है यहाँ पर इंडिया। अभी मैच फंसा है, अब मैच फंसा है, मैक्स आउट 33 बोले 35 रन। बहुत ही अच्छा मैच चल रहा है, ये लोएस्ट स्कोर है, उसके बाद भी बहुत ही अच्छा है। क्या था इस बोले, फिर विकेट मिल सकता है क्या? शमी है, सब कुछ मुमकिन है, शमी है तो मुमकिन है। आ, मेरे तो आवाज भी नहीं निकल रही है, मेरी आवाज भी नहीं निकल रही है, मैं चीख भी नहीं पा रहा हूँ। ओके, लगातार दो बॉल पे दो विकेट, मोहम्मद शमी ने पूरा गेम पलट दिया। क्या बॉल डाली है, क्या ही बॉल दी है, हैट्रिक चांस। वैसे भी इस वर्ल्ड कप में दो बार हैट्रिक चांस मिल चुका है मोहम्मद शमी को, हालांकि हैट्रिक मिली नहीं, वो बात अलग है, बट यहाँ पर पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि हैट्रिक मिले। अगर हैट्रिक आ गई ना, मज़ा आ जाना, मैं बता रहा हूँ बहुत मज़ा आएगा, किक आ जाएगी मैच में यहाँ पे। आइयो, हेलो नमस्ते, वेलकम केम चॉप पब्लिक, मजा मा फाड़ देंगे सबका पजामा। तो आज हम खेलेंगे क्रिकेट 19, इंडिया वर्सेस नेदरलैंड का मैच। तो इंडिया अपना वर्ल्ड कप का लगातार 9 मैच जीत चुकी है, और हम भी यहाँ पर जीत चुके हैं, बट लगातार 8 नहीं, एक मैच में हार चुका हूँ, जो कि श्रीलंका ने मुझे हराया था, पता नहीं कैसे हराया था, बट हाँ हरा दिया था। तो आज आखिरी मैच खेलेंगे लीग स्टेज का, इंडिया वर्सेस नेदरलैंड। कोशिश तो ये रहेगी कि हारूँ ना, जीत जाऊँ। तो ये है इंडिया वर्सेस नेदरलैंड की प्लेइंग 11, बिल्कुल एज इट इज सेम है, बस नेदरलैंड में एक चेंज किया है मैंने, क्योंकि मुझे एक प्लेयर मिला नहीं यार, मैंने खूब कोशिश करी ढूंढने की उसे, बट नहीं मिला मुझे, तो उसकी जगह मैंने किसी और को डाल दिया, बैट्समैन था। टॉस आ गया रोहित शर्मा और स्कॉट, टॉस पे रोहित शर्मा उछालेगा टॉस, और ये नेदरलैंड वॉन द टॉस। ओके, बट ऐसा हुआ नहीं था मैच में, इंडिया जीती थी टॉस और पहले बैटिंग करी थी। यहाँ भी हमें बैटिंग मिल जाए, नेदरलैंड हैव चूजिंग टू बॉल। ओके, तो यहाँ हमें बैटिंग मिली गई, ऐसे नहीं तो वैसे, बट मिली तो पहले बैटिंग ही। भाई क्या सबने हाथ धोया, बहती गंगा में हाथ धोया सबने। वो रोहित शर्मा आया, उसने 50 मारे, गिल ने 50 मारे, कोहली ने 50 मारे, केएल राहुल ने 100, और उसके बाद अय्यर ने 100, सब ने मारा। तो यहाँ आज हम भी वही काम करेंगे, सबके रन अच्छे खासे बन जाए, बट इतना लंबा मैं खेलता नहीं हूँ। अगर तुम लोग देखते वीडियो तो तुम्हें पता होगा, पहली बॉल पे चौका चला गया, और वन बाउंस चौका। हम यहाँ 10 ओवर का मैच खेलते हैं, 50 ओवर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा, इसलिए 10 ओवर जल्दी जाता है, इंटरेस्टिंग रहता है, मज़ा आता है। पहली बॉल पर रोहित शर्मा, आक्रामक इनिंग, वन बाउंस चौका। रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप क्या खेल रहा है भाई साहब, जितने भी रन बना रहे हैं ना, कोहली, राहुल, अय्यर, वो सब एक ही बंदे की वजह से, सिर्फ रोहित शर्मा की वजह से रन बना रहे हैं, क्योंकि वो आते ही शुरुआत में क्या ताबड़तोड़ पारी खेलता है भाई साहब। बिल्कुल इसे माइलस्टोन नहीं करने अपने, उस बंदे को सिर्फ टीम जितानी है, वर्ल्ड कप उठाना है, दिखता है जिस तरह से खेल रहा रोहित शर्मा, दिखता है। पहली बॉल और जड़ में यॉर्कर डालने की कोशिश थी, और यॉर्कर गई भी, लेकिन उतना ही अच्छा शॉट शुभमन गिल द्वारा। शुभमन गिल भी बहुत तगड़ी फॉर्म में है, वैसे आतंक मचा रखा है इस यंगस्टर ने। पहली बॉल पर चौका, कोशिश करेंगे कि आराम से, अभी तक बनाए नहीं है मैंने 150 रन, बट आज जिस हिसाब से, ओ मिस मिस, अच्छी बॉल डाली है, मैं मतलब कोशिश करूँगा 150 रन बनाओ पहली बार। देखो इंडिया ने भी पहली बार 400 से ज़्यादा रन बनाए इस वर्ल्ड कप में, बाकी का तो मुझे ध्यान नहीं बने हैं कि नहीं बने, बट इस वर्ल्ड कप में तो पहली बार बने, तो हम भी अपने इस वर्ल्ड कप के
दौर में पहली बार 150 रन बनाएंगे 10 ओवर के अंदर, कोशिश रहेंगे पूरी पूरी। अभी तक ठीक ठाक चल रहा है, 15 का रन रेट चाहिए, ज़्यादा नहीं, और 15 चल रहा है, और ये शायद 15 से ज़्यादा। एक और चौका, 17 कितने है, 15 4 19, 17 रन पहले ओवर से है, 17 रन बिना किसी नुकसान के। ओके स्पिनर आ गए, यार स्पिनर मेरी कमजोरी है, स्पिनर से खेला नहीं जाता, शॉट ही नहीं लग पाता, फिर भी कोशिश करेंगे, शॉट ही मारना है। ओके दो लगातार बॉल डॉट, मुश्किल हो जाता है स्पिनर को शॉट मारना, और दूसरे ही ओवर में स्पिनर बहुत जल्दी लिया है नेदरलैंड वाले स्पिनर। ओके ये गैप में गया है, बट सीधा फील्डर के हाथ में पीछे, सिंगल से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। शुभमन गिल स्ट्राइक पर, 4 बॉल में 12 रन, 4 बॉल में 3 बाउंड्री लगा चुके हैं, और ये चौथी बाउंड्री कैच, कैच हो गई, उल्टा भाग कर कैच करिए भाई साहब, ऐसी कैच तो जड्डू नहीं कर पाता, इन्होंने कैसे कर ली, अद्भुत कैच, बड़ी अलग तरह से कैच थी ये, समझ नहीं आई मुझे, बट हो गई। और यहाँ पर शुभमन गिल आउट, 12 रन बनाकर 5 बॉल में, छोटी पारी लेकिन इम्पैक्टफुल। अब स्ट्राइक पर आए हैं विराट कोहली, कोहली पर रोहित शर्मा स्ट्राइक पर, यह ओवर बहुत ही अच्छा गया है, नहीं 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 हवा में, और ये दूसरा विकेट लगातार, रोहित शर्मा भी आउट। अब मुझे नहीं लगता कि 150 रन बनेंगे रोहित शर्मा के आउट होने के बाद, आई डोंट थिंक कि 150 तक पहुंचेंगे, अब तो 100 पहुंच जो भी बहुत बड़ी बात है। 6 रन बनाकर 6 बॉल में रोहित शर्मा आउट। श्रेयस अय्यर क्रीज पर, स्ट्राइक पर विराट कोहली, हैट्रिक पर है बॉलर, मैं हैट्रिक तो बिल्कुल नहीं देने वाला इस बॉलर को। वाइट, आई थिंक वाइट जाएगी ये, अंपायर को वाइट देनी चाहिए, ओके वाइट है, तो अभी हैट्रिक बरकरार है बॉलर की, और मैं बिल्कुल भी हैट्रिक नहीं देना चाहूँगा। आराम से डिफेंस विराट कोहली का, 2 ओवर के बाद 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर इंडिया, फिर से स्पिनर, 3rd ओवर भी स्पिनर, ये तो पूरा का पूरा होमवर्क करके आया है मेरे खिलाफ, दूसरे ही ओवर में स्पिनर और तीसरा फिर से स्पिनर, ये तो बहुत गलत बात है, आज लग रहा है सबसे ज़्यादा नहीं सबसे कम रन बनेंगे, अभी तक सबसे कम रन शायद से मेरे को याद है मैंने 89-90 के आसपास बनाए हैं, अगर उतने ही कम रन बने तो मुश्किल हो जाएगी, वो मैच बहुत मुश्किल से जीता था। भागना पड़ेगा। ओके ये बल्ले पे लगी नहीं थी, पर आउट कैसे दिया अंपायर ने, बैट पर नहीं लगी थी ये, मैं चैलेंज में रिव्यू लेने वाला हूँ, बैट्समैन मैं हूँ तो मुझे पता है ये लगी ही नहीं थी, दूर दूर तक नहीं लगी थी ये, सीधा पैड पर लगी थी, LBW हो जाए वो बात अलग है, लेकिन कैच बल्ले पे लगी ही नहीं है बॉल। ओके हाथ पे लगी हो तो कुछ नहीं कह सकते, मैंने वो ध्यान नहीं दिया था मैंने बस इतना ध्यान दिया था कि बल्ले पे बॉल नहीं लगी है, देखते हैं बॉल कहाँ लगी है, बॉल वेट दिखी नहीं मुझे, अभी भी नहीं दिखी बॉल कहाँ लगी है, शायद एंगल चेंज करें यहाँ से पता लगे, ना यहाँ से नहीं दूसरा एंगल करना चाहिए था, इस एंगल से कैसे पता लगेगा कहाँ लगी है, ये बॉल जा रही है और हाँ हाथ पे तो नहीं लगी, हाथ पे लगी है तो ऊपर लगी, ग्लव्स के ऊपर लगी है तो भी आउट दे दिया अंपायर ने, कितना पैसा खाया भाई इस अंपायर ने, 2 बॉल पे 2 रन बनाकर श्रेयस अय्यर भी आउट, बहुत अच्छी बॉल कराने लग गए तो। केएल राहुल है स्ट्राइक पर, चलो अब थोड़ा सा गेम जो है सेटल होगा, क्रीज पर केएल राहुल जो आ गए, अभी इनिंग बड़ी स्लोली और आराम से, विराट कोहली और केएल राहुल जो है वो पारी को भूनते हैं, बड़े आराम से खेलेंगे, स्लो खेलेंगे लेकिन विकेट नहीं जाएगा, उम्मीद तो यही है अगर कोई बहुत अच्छी बॉल ना हो जाए। एक मिनट, ओके ये तो डायरेक्ट थ्रो लग गया,
और आई थिंक ओके, इससे बड़ा कॉलेप्स हो नहीं सकता इंडिया का नेदरलैंड के खिलाफ। ये डायरेक्ट थ्रो लगा और विराट कोहली भी रन आउट। बहुत खराब दिन है आज का, लग रहा मैं ही खेलना भूल गया। अभी दो तीन दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, फेस्टिवल ही फेस्टिवल, दिवाली के मजे, और मैं भूल गया लग रहा खेलना, इसलिए कोलैप्स हो रहा है इंडिया का। 22 रन पे 4 विकेट। ओके, ये अच्छा शॉट, ड्राइव, बहुत अच्छा शॉट सूर्य कुमार यादव का। सूर्य भाई आए और पहली बॉल पर छाए, 26 रन। रन भी स्लो है और विकेट भी बहुत गिरे हैं इन दो ओवर में, बहुत कुछ घटा है सिर्फ इंडिया के खिलाफ। फिर से स्पिनर दो, ओके, एक ओवर में दो रन देके दो विकेट लेने वाले आर्यन दत्त, ये तो मुझे इंडियन ही लग रहा है। इंडियन, ओके, इंडियन का ये हाल करने वाले आर्यन दत्त। ओके, केएल राहुल स्ट्राइक पर, एक बॉल पर एक रन के साथ, समझदारी से भरी पारी खेले केएल राहुल, बिल्कुल आउट नहीं होंगे। और यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा अगर कोई लेगा तो वो सूर्य कुमार यादव। बहुत बढ़िया, आराम से सिंगल मिलेगा यहाँ पर। अब 150 रन तो भूल जाना चाहिए मुझे, अभी तो मेरा टारगेट है पहले 100 रन बन जाए, 10 का रन रेट तो मिले उन्हें कम से कम। बहुत ही बढ़िया शॉट, कवर ड्राइव, के राहुल का कवर ड्राइव, बहुत खूबसूरत। नो रिस्क क्रिकेट, बिल्कुल रिस्क नहीं लिया शॉट में, डाउन द ग्राउंड चौका, 3 बॉल पर 6 रन। इसी तरह बीच में चौके आते रहे, ये भी वहीं मारने की कोशिश, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। ठीक ठाक चल रहा है, ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा है ना ही बहुत बुरा है। नहीं, बच गया, अभी फिर से रन आउट हो जाता, फिर से एक और विकेट गिरता, बट बच गए इस बार। 4 ओवर के बाद इंडिया स्कोर है 35 पर 4 विकेट। केएल राहुल स्ट्राइक पर, बढ़िया डिफेंस, स्पिनर ही स्पिनर आ रहे हैं बॉलिंग पर। ये लोग पूरी तैयारी करके आए यार मेरे खिलाफ, पूरी तैयारी। स्पिनर से एक तो वैसे ही नहीं खेला जाता। ओके, थोड़ा इस बार साइड हट जाते हैं, रिस्क लेना तो पड़ेगा, बट ये बॉलर पूरा का पूरा फॉलो करते हुए बैट्समैन को। ओके, फिर से फील्डर के हाथ में, गैप में निकालने की कोशिश बट नाकाम। रन रेट 8 पर आ गया गिर के 15 से, जो कि बहुत कम है। नेदरलैंड बना सकती है 8 का रन रेट, कोई बड़ी बात नहीं है नेदरलैंड अगर जीत जाए 8 का रन रेट पे, तो मुझे थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। बट मैं सोच रहा हूँ अभी लास्ट के 4 ओवर में रिस्क लिया जाए, अभी थोड़ा सा रिस्क फ्री क्रिकेट खेला जाए। अगले 4 ओवर में अगर 40-50 रन भी आ जाते हैं तो एक ठीक ठाक स्कोर हो जाएगा। ओके, सीधा फील्डर के हाथ में, डायरेक्ट थ्रो लगी, नहीं लगी, बच गए। स्काई था, स्काई। ओके, फिर से स्पिनर, आई थिंक इनके पास सारे के सारे बॉलर स्पिनर ही है, और ये स्पिनर के साथ ही खेलना चाहेंगे। ओके, सिंगल मिल जाएगा, यहाँ गैप में गई है बॉल। वेट, क्या कर रहा है बैट्समैन क्या कर रहा था बैट्समैन, वहां पे अटका हुआ था, ये गेम का ग्लिच था। केएल राहुल आउट 10 बॉल में 9 रन बनाकर, ये तो आज लग रहा है पूरी कायनात चाहती है कि इंडिया हारे। इधर वर्ल्ड कप में इंडिया जीत रही है लगातार, और यहाँ पे मैं हार रहा हूँ,
ये कैसे हो सकता है? वैसे अभी तक क्वालिफाई तो हम कर जाएंगे अभी, क्योंकि अभी तक 8 में से 7 मैच जीत चुके हैं, एक ही मैच आ रहे हैं और आज भी आ रहे तो 2 ही मैच। बहुत बड़ी गड़बड़ी, मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, लेकिन उसके बाद भी आउट हो गया। नहीं, अभी बिल्कुल रिस्क नहीं, और रिस्क तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता मैं, एक और विकेट यहाँ पर बिल्कुल अफोर्ड नहीं होगा। बहुत कम रन है, बहुत कम रन है यहाँ, कोलैप्स कर गया आज पूरा। ओके, एक और विकेट, स्पिनरों ने आतंक मचा दिया, कैसे हो रहा है ये? एज लगा और रविंद्र जडेजा डक पर आउट, डक, 2 बॉल पर 0 रन। लग रहा है आज मैच जल्दी खत्म हो जाएगा, इंडिया ऐसे कोलैप्स कर रहे थे श्रीलंका। ओके, बॉल का पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे बॉल आ रही, कहाँ पे जा रही है। अब एक ही है उम्मीद, वो है स्काई को जितना हो सके उतना स्ट्राइक पे रखना पड़ेगा। डबल मिलेगा ऐसे नहीं, यहाँ से डबल बिल्कुल नहीं मिलेगा। स्काई को क्रीज पर रखना था और मैंने बुमराह को रख दिया लास्ट बॉल पे सिंगल दे के। देखो इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी है नो डाउट, बट बैटिंग इतनी खराब बिल्कुल नहीं है। 40 रन 6 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर, लग ही नहीं रहा है मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। ओके, फेसर आ गए फिर से और ये बुमराह ने सीधी हाथ में दे मारी। बहुत ही बुरा कोलैप्स हो रहा है इंडिया का यहाँ पे, 7 विकेट गिरे 40 रन पर। मैं लग रहा सच में ही क्रिकेट खेलना भूल गया हूँ, मैंने पटाखे क्या जला लिए 2 दिन, वीडियो नहीं बनाई। यहाँ पे लग रहा है कंट्रोलर मुझसे समझ नहीं रहा है कि क्या हो रहा है। कुलदीप यादव न्यू बैट्समैन, बट स्काई है स्ट्राइक पे और सामने पेसर, तो यहाँ पे हम वसूल कर सकते जितने भी, ये होगा वसूल। 1 बाउंस चौका, स्काई है अभी क्रीज पर, जब तक स्काई है तब तक सब कुछ मुमकिन है। एक अच्छा खासा टोटल दे सकते हैं हम नेदरलैंड को, जिसमें उम्मीद हो कि हमारे बॉलर कुछ करें। नहीं, आराम से बल्ले पर लग रही है और ये लोग अपील कर रहे हैं, पागल हो गए नेदरलैंड वाले भी। फ्लो में ज़्यादा ही कुछ नहीं बह गए ये लोग, ठीक है देखते हैं। अभी 1-2 छक्के चौके लगे ना, अपने आप इनके कंधे झुक जाएंगे। ये बात एकदम बढ़िया टाइम और एक और चौका, अब थोड़ी सी उम्मीद है, थोड़ी उम्मीद की किरण बाकी है अभी। स्काई अभी है क्रीज पर, जब तक स्काई है तब तक रन भी है। रन रेट 7 का हुआ है, 7 से थोड़ा ऊपर गया है। ओके, नाइस शॉट बॉय, स्लोअर वन। 2 चौके आए हैं इस ओवर से, मतलब 8 ही रन। नहीं, गैप में गई है, मेरे को लगा सीधी हाथ में गई है, थोड़ी देर के लिए तो सांसें रुक गई थी। एक और चौका, चौके के साथ ख़त्म किया इस ओवर को और 12 रन आए इस ओवर से, क्योंकि पेसर था सामने। 7 ओवर के बाद 52 रन, फिर से स्पिनर क्रीज पर। रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश और डॉट बॉल। यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कुलदीप यादव को, बस स्ट्राइक रोटेट करनी है और सूर्य को देना है। बहुत बढ़िया, सूर्य क्रीज पे स्ट्राइक पे आएगा तो अपने आप ही रन जाएंगे। ओके, लास्ट 3 ओवर में देखते कितने रन और लग पाते हैं, अगर सूर्य रहा तो रनों की बारिश हो जाएगी। नहीं, मारा तो बहुत तेज बट एक ही रन मिलेगा, शॉट अच्छा था बट गैप में नहीं था। ओके, मुझे लगा था अगर टपा दूं बॉल में सर्कल के बाहर तो शायद चौका मिल जाए, बट नहीं, टाइम अच्छा हुआ नहीं। और कुलदीप यादव भी आउट 3 बॉल में 1 रन बना के, बट एक चीज़ अच्छी है स्ट्राइक पर, सूर्य कुमार यादव नहीं, शमी है, ऐसा कैसे हुआ? ओके, लग रहा है क्रॉस नहीं किया था,
सिंगल मिलेगा यार? नहीं 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 डायरेक्ट थ्रो लगता था आउट हो जाते, सिंगल तो था ही नहीं यार। बहुत ही कम, ये सबसे लोएस्ट टोटल होगा इंडिया का पहले बैटिंग करके। बिल्कुल बॉल समझ नहीं आ रही, स्पिन बॉल बिल्कुल समझ नहीं आ रही। ओके ये पेसर है, पेसर है, पेसर है, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ रन बटोर सकते हैं, देखते हैं बॉल किधर है। ओके वन बाउंस, और ये नहीं वन बाउंस नहीं, अच्छे खासे बाउंस लग के घिसड़ती हुई गई बॉल, लेकिन चौका मिला वो इम्पोर्टेंट है। वन बाउंस है या टू बाउंस वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पहली बॉल चौका, 14 बॉल में 26 के साथ सूर्य कुमार यादव अकेले लड़ते हुए हैं। एक और बार गैप में गई ये बॉल, क्या अच्छी टाइम हुई है, हाँ बिल्कुल अच्छी टाइम हुई है। और एक और चौका, लगातार दो बॉल पे दो चौके, और यहाँ पर थोड़े अच्छे खासे रन बनते हुए इंडिया के, इतने की लड़ सके इंडिया। नहीं ओके, जिस तरह ये गई बॉल, इतनी देर हवा में थी बॉल, सांसें रुक गई होगी सबकी। शमी स्ट्राइक पर, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस सिंगल लेके सिंगल देना है सूर्य को। हो शमी ने भी मार दिया चौका। ओके काबिलियत है शमी के पास शॉट लगाने की, शमी सिंगल नहीं चौका मारेंगे, बहुत ही बढ़िया चौका। तीन चौके आ चुके हैं इस ओवर में और एक सिंगल, 13 रन ऑलरेडी मिल चुके हैं इस ओवर से, इस ओवर को और बड़ा बना सकते हैं, बट ये बॉल हो गई मिस। लास्ट बॉल है, सिंगल तो लेने की बिल्कुल नहीं सोच रहा मैं, यही सोच रहा हूँ कि विकेट किसी तरह बाउंड्री आ जाए इस बॉल पे या विकेट गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये शॉट ऊंचा मारा है बट दूरी नहीं मिलेगी, और ये कैच, और ये उल्टा बक्कर कैच कैसे कर लेते हैं आई डोंट नो, मेरे को समझ नहीं आता इनका एआई इतना तगड़ा कैसे है। फाइनली किसी पेसर को भी विकेट मिला, और 9 ओवर के बाद इंडिया का स्कोर है 67-9 विकेट पर। तो लास्ट ही विकेट है और स्ट्राइक पर मेरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए था, मैंने सूर्य को क्रॉस करवा दिया, नॉन स्ट्राइक पे खड़ा है सूर्य, और स्ट्राइक पर है सिराज। यहाँ पर पहली बॉल डॉट भी हो गई, भाग 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 भाग, सिंगल मिल जाना चाहिए, और ये सिंगल मिल गया, बहुत बढ़िया सिंगल। 68 रन है हुए हैं, दो चार बॉल अभी बाकी है इस ओवर की, सामने स्पिनर है, ये सीधा हाथ में दे मारी, और इंडिया 68 पर ऑल आउट, लोएस्ट टोटल इंडिया का इस वर्ल्ड कप में है। तुम इस टोटल पर क्या कहना चाहोगे, जो भी कह सकते हो कमेंट करके बताओ, मैंने सोचा नहीं था इतने कम रन बनेंगे नेदरलैंड के खिलाफ, बट अब हो गया, कोलैप्स कर गए। अब सहारा का सहारा प्रेशर आ गया है बॉलरों पर, देखते हैं बॉलर कितने अच्छे से प्रेशर झेल पाते हैं, क्या इंडिया डिफेंड कर पाएगी 68 जैसे छोटे टोटल को। बहुत मुश्किल है बट नामुमकिन कुछ भी नहीं, क्योंकि इंडिया के पास है बुमराह, सिराज और शमी। ओके पहला ओवर बुमराह, पहली बॉल आउट स्विंग, कोशिश करूंगा कि एज लगे और पहली बॉल पर विकेट मिले, नहीं सीधा विराट कोहली के हाथ में डॉट बॉल, बट विकेट का कोई आसार नहीं दिखा दूर दूर तक इस बॉल पे, तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि विकेट पे बॉल जाए। ओके नो बॉल, नो बॉल थी, और यहाँ कैच भी छोड़ी फील्डर ने, आज कुछ भी अच्छा नहीं घट रहा, कुछ भी इंडिया के साथ नहीं है, सब कुछ खिलाफ हो रहा है। बुमराह दूसरी बॉल नो बॉल डालते हैं, और फील्डर कैच भी ओके, ये बॉल अच्छी थी, बहुत अच्छी बॉल थी, यही रखने की कोशिश थी मेरी, अगर पहली बॉल ऐसी पड़ जाती तो मैं दूसरी भी यही रखता, ना कि इनसाइड आउटसाइड ही रखता। ओके 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 और एज लगा, बट एज उतना महीम नहीं था, अच्छा सा मोटा एज लगा,
जिससे स्लिप के पास कैच नहीं गई। अगली बॉल इन स्विंग आएगी अंदर की तरफ विकेट पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ओवर, बहुत बढ़िया ओवर। मात्र 4 रन आए इस ओवर से 4 बॉल में। अभी 2 बॉल बाकी है तो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं और बॉलिंग पे ध्यान देते हैं। ओके, एक और डॉट बॉल, एक और डॉट बॉल, बहुत बढ़िया। बुमराह को मारना वैसे आसान होगा नहीं। ओके, लास्ट बॉल पर चौका और एक इसी के साथ सारा ओवर गड़बड़ाता हुआ यहाँ पर लास्ट बॉल पर चौका मार के नेदरलैंड ने गेम में अपनी अच्छी खासी वापसी कर ली है। सिराज दूसरा ओवर आउट स्विंग, कोशिश वही रहेगी कि एज लगे, एज लगा भी और ये जो कोशिश थी वो पूरी हुई और विकेट पहली ही बॉल पर मोहम्मद सिराज। सिराज की फॉर्म भी बड़ी खतरनाक, बड़ी लाजवाब चल रही है। पहली बॉल पर विकेट, अक्सर ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है और इस वर्ल्ड कप में तो बहुत बार ऐसा देखने को मिला है। बहुत बढ़िया कैच केएल राहुल का, लो कैच, 3 रन पर वेस्ली आउट। ओके, मैं फिर से वही सेम बॉल रखने वाला हूँ। दूसरा विकेट मिल जाए तो मजा आ जाए। बॉल बहुत अच्छी दी है, मिल सकता था विकेट। अब एक अचानक से 2 बॉल आउट स्विंग हुई ना, एक इन स्विंग। ओके, थोड़ी सी आगे टपा पड़ गई, हवा में बॉल तो थी, थोड़ी सी आगे लग गई। फिर से वही बॉल डालते हैं, आउट स्विंग, एज लगे, एक और विकेट, विकेट मिले, एक और एज लगा और फिर से कैच आउट और डाइव मारकर विकेट। क्या कैच लिया है केएल राहुल ने, एक और विकेट। मोहम्मद सिराज बॉल नहीं फेंक रहे, आग का गोला यार, आग का गोला, एज ही एज लग रहे और ये क्या डाइव मारकर कैच पकड़ी है केएल राहुल ने, बहुत बढ़िया कैच। इतनी तेज चिल्ला रहा मेरा गला बैठ गया बट ये विकेट बहुत अच्छा था, डक पर आउट किया, बहुत बढ़िया। 2 विकेट और अभी तक 1 भी रन नहीं गया है, 4 बॉल हो गई है। अब ऐसा लग रहा है कि शायद डिफेंड कर सकते हैं हम ये। ओके, ये अच्छा शॉट मारा, चौका तो नहीं मिलेगा इससे बट 2 रन जरूर मिलेंगे यहाँ। फिर से आउट स्विंग, कोशिश वही रहेगी कि एज लगे, नहीं बट सीधा बल्ले पे आई, मिडिल लगा। बहुत अच्छा ओवर गया ये, बहुत ही अच्छा ओवर। मोहम्मद शमी तीसरा ओवर, जिस तरह सिराज ने शुरुआत करी कोशिश करेंगे वैसी शुरुआत मोहम्मद शमी को भी मिले। नहीं, ये बिल्कुल विपरीत, सब कुछ उल्टा घटता हुआ यहाँ। सिराज को विकेट मिला था, शमी को चौका मिला है। फील्ड मुझे खोल लेनी चाहिए, फील्ड को ठीक करते हैं, यहाँ से एक उठा के एक रखते हैं यहाँ और एक यहाँ से उठा के रखते हैं यहाँ। अब सही है, अब डालने देते हैं। ओके, शॉट अच्छा मारा बट पीछे फील्डर है, इस बार चौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने यहीं फील्डर जमाया था एक। ओके, डायरेक्ट थ्रो, बहुत बढ़िया थ्रो, ये पक्का रविंद्र जडेजा ही होगा इस बार इन स्विंग रखने की ज़्यादा ट्राई करूंगा नहीं मैं, क्योंकि लेग में एक भी फील्डर नहीं है सर्कल के बाहर, तो एक आध बॉल पड़ जाए तो पड़ जाए। ये कैच है, ये सीधा फील्डर के हाथ में है और ये कैच होनी चाहिए। हो गई कैच, एक और विकेट मोहम्मद शमी। भले ही पहली ओवर में चौका खाया लेकिन उसके बाद क्या कमबैक किया,
विकेट लेने में माहिर है मोहम्मद शमी, और जब शमी विकेट लेता एक दो नहीं चार पांच विकेट आते हैं खाते में। शुरुआत हो चुकी है पहले विकेट से। यहाँ पर नेदरलैंड की बैटिंग को तहस नहस, और ये भी एज लगा था बट फील्डर से बहुत दूर। लकी रहे बैट्समैन, बहुत लकी, और यहाँ अनलकी मोहम्मद शमी। वो बॉल हम ज़्यादा यूज कर नहीं सकते, उसका मतलब ये मैंने फुल लेंथ रखी है इस बार यॉर्कर ना रख के फुल लेंथ रखी, और ये छक्का चला गया। विकेट मिला लेकिन बहुत बहुत महंगा ओवर, ये बहुत महंगा ओवर इंडिया के नज़रिए से। 43 बॉल में 44 रन, बहुत। अब यहाँ पे विकेट लेकर ही कुछ काम बनेगा, और अभी एक बॉल और बाकी है मोहम्मद शमी की। इस तरह तो कुछ नहीं होगा। बहुत रन गए इस ओवर से, बहुत महंगा ओवर, बहुत महंगा। बहुत मुश्किल होता जा रहा है जीतना। तुम्हें क्या लगता है, तुम ऐसे गैस कर सकते हो कमेंट में कि इंडिया जीतेगी या फिर नहीं? 42 बॉल पर 43 रन, ये ओवर सब डिसाइड कर देगा, क्योंकि मोहम्मद सिराज का दूसरा ओवर है, स्पेल का लास्ट ओवर। पहले ओवर में दो रन देके दो विकेट लिए थे। मिडिल लग रहा है, अब एज नहीं लग रहा, बॉल उतनी नहीं घूम रही, उतनी स्विंग नहीं हो रही जितनी पहले ओवर में हुई थी। Edwards is the new batsman. और हम लेग में बॉल ज़्यादा रख नहीं सकते, क्योंकि मैं एक रिस्क जरूर लूँगा हर ओवर में, भले ही बाउंड्री लगे बट रिस्क तो बनता है। वो बहुत अच्छी बॉल थी, क्योंकि विकेट ज़रूरी है यहाँ पे। डॉट बॉल करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बाउंड्री आएगी सब बराबर हो जाएगा, तो डॉट बॉल से कुछ होने वाला नहीं है, विकेट चाहिए। और अभी सिराज जिस फॉर्म में है, विकेट सिराज से ही मिलेगा, पूरी उम्मीद है मुझे सिराज, एक विकेट और मिलेगा यहाँ पे सिराज को। बट बैट्समैन बहुत अच्छा मिडल कर रहे हैं बॉल। ओके, ये क्या किया, ओवर थ्रो का चार रन, इसकी जरूरत नहीं थी, कंगाली में आटा गीला, इसकी जरूरत नहीं थी। बिल्कुल जरूरत नहीं थी इसकी, बहुत अच्छा ओवर जा रहा था यहाँ पे, बहुत ही खराब ओवर थ्रो। ओहो, बहुत अच्छी बॉल थी। इन स्विंग वैसे ये मुझे करनी नहीं चाहिए, जिस इस तरह से हालात हैं इंडिया के, वो तो अच्छा है कि यहाँ सिंगल ही मिला, लेकिन इस बॉल पे बहुत हद तक चांस था कि बाउंड्री भी मिल जाती बैट्समैन को, क्योंकि लेग साइड एक भी फील्डर सर्कल या आर्ट के बाहर नहीं है। ओके, मोहम्मद शमी दूसरा ओवर लाते हुए, पहला ओवर बहुत महंगा गया, लेकिन फिर भी एक और मौका रोहित शर्मा का मोहम्मद शमी को। पहली बॉल डॉट, बट डॉट बॉल से यहाँ काम बनेगा नहीं, यहाँ में विकेट चाहिए, तो शमी विकेट चाहिए, विकेट, यू कैन डू इट, विकेट मिलेगा, जरूर मिलेगा। ओ, बहुत अच्छी बॉल। इन स्विंग अगली बॉल, ओह मिल गया विकेट, यस, मुझे लगा था यहाँ पे शमी एक विकेट जरूर मिलेगा, शमी आया तो विकेट आएगा, भले ही रन पड़े पर विकेट आएगा, और विकेट से ही जीत सकती है यहाँ पर इंडिया। अब मैच फंसा है, मैक्स आउट, 33 बोले 35 रन, बहुत ही अच्छा मैच चल रहा है, ये लोएस्ट स्कोर है, उसके बाद भी बहुत ही अच्छा है। क्या लगता है, इस बॉल में फिर विकेट मिल सकता है क्या? शमी है, सब कुछ मुमकिन है, शमी है तो मुमकिन है। मेरे तो आवाज़ भी नहीं निकल रही है, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है, मैं चीख भी नहीं पा रहा हूँ। ओके, लगातार दो बॉल पे दो विकेट, मोहम्मद शमी ने पूरा गेम पलट दिया। क्या बॉल डाली है, क्या ही बॉल दी है,
हैट्रिक चांस, वैसे भी इस वर्ल्ड कप में दो बार हैट्रिक चांस मिल चुका है मोहम्मद शमी को, हालांकि हैट्रिक मिली नहीं, वो बात अलग है, बट यहाँ पर पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि हैट्रिक मिले, अगर हैट्रिक आ गई ना मज़ा आ जाना, मैं बता रहा हूँ बहुत मज़ा आएगा, किक आ जाएगी मैच में यहाँ पे, हैट्रिक 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 नहीं, मिस हो गए हैट्रिक, हैट्रिक मिस हो गए यार, ऐसा मौका हर बार नहीं आता। बहुत ही अच्छा ओवर, बहुत ही अच्छा ओवर, एक भी रन नहीं गया इस ओवर से। चलो विकेट की हैट्रिक नहीं हुई बट ओवर की हैट्रिक हो जाए, एक और विकेट मिल जाए तो भी मजा आ जाए। ओके डॉट मेड एन ओवर दो विकेट के साथ, इस ओवर ने पूरा पूरा गेम पलट दिया, इंडिया की तरफ झुका दिया। ओके स्पिनर स्पिनर है बॉलिंग पे, स्पिनर रविंद्र जडेजा है बॉलिंग करने, हालांकि स्पिन से मैं उतनी अच्छी बॉल नहीं डाल पाता हूं, और ये तो रहा है मेरा प्रॉब्लम कि जब भी स्पिन आती है तभी बहुत मार खाता हूं मैं, स्पिनर को मार भी नहीं पाता, स्पिन से बॉल भी नहीं करा पाता। अब मुझे किसी तरह डॉट बॉल निकालने, क्योंकि उतने रन है नहीं कि मैं खा जाऊँ उतनी सारी बाउंड्रीज, तो कोशिश करनी होगी कि नहीं 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 बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता मैं, दो बॉल पे दो चौके दो, रविंद्र जडेजा नहीं, मुझे अपनी प्लेइंग 11 चेंज करनी चाहिए। ओ ये बहुत अच्छी बॉल थी, ये बहुत अच्छी बॉल थी, लिटरली बहुत अच्छी बॉल थी, फ्लाइट फ्लाइट दूंगा थोड़ी सी हवा में। ओके अब अच्छी बॉल ऊपर खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये काम कर रही है ये बॉल, और ऊपर से फ्लाइट थोड़ी हवा में, तो नहीं यार बल्ले के नीचे नहीं देनी बॉल, बल्ले के नीचे बॉल आएगी तो बाउंड्री पार ही जाएगी, उतने रन तो है भी नहीं स्कोर, 25 बॉल पे 23 रन, सारा का सारा मैच खराब कर दिया रविंद्र जडेजा ने, जो मैच बनाया यहाँ पर शमी ने सब बिगाड़ दिया जडेजा ने। ओके बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, एक ही रन मिला यहाँ पर, तीन रन रोके, फील्डिंग अच्छी चल रही है इंडिया की, मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता यहाँ पे स्पिनर एक और, मुझे चाहिए बुमराह वापस गेम में, बुमराह चाहिए यहाँ पे, ये टाइम है प्रेशर में डालने का इन्हें, अभी प्रेशर में नहीं डाला तो मैच निकल जाएगा हाथ से। Plays that nicely along the ground. बहुत ही बढ़िया, पहली बॉल डॉट बॉल, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके बाद कोई पेसर बचा नहीं है एक भी, सिर्फ स्पिनर है, तो बड़ी दिक्कत होने वाली है यहाँ पे। अगर विकेट मिलते इस ओवर में भी एक दो विकेट मिल जाए तो बात अलग है। नहीं 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 चार नहीं चार नहीं चार नहीं, बहुत बढ़िया, दो ही दो ठीक है बट चार नहीं, नहीं यार ये ओवर थ्रो का रन कैसे मिल गया, एक और रन ले लिया यार, मिस्टेक पे मिस्टेक, मिस्टेक पे मिस्टेक हो रहे हैं यहाँ पे, इतने रन ऐसे लीक हो रहे हैं ना जो बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे। ओके एज लगा यहाँ पे, एज लगा बस पहले गिर गई, थोड़ी सी पहले गिर गई बॉल, एज लगाने में तो कामयाब रहे। Played that along the ground. चल 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 सिंगली सिंगली डबल नहीं, फिर से डबल मिल गया, फिर से डबल मिल गया, बहुत रन लीक हो रहे हैं इस ओवर में भी, इस ओवर में भी बहुत रन चले गए, इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे इतने रन जाएंगे। चौका तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ। ओके मैच पूरी तरीके से हाथ से बाहर निकलता हुआ और इंडिया हारती हुई, आज लग रहा है मैं अपना दूसरा मैच हारने वाला हूँ भी नेदरलैंड के खिलाफ, पता नहीं कैसे बट हम हारने वाले हैं तो क्या ही कर सकते हैं। वो कैच होगी, कैच विकेट मिल जाएगा यहाँ, विकेट विकेट विकेट, एक और विकेट मिला, एक और विकेट, छह विकेट गिर चुके हैं यहाँ पे, तो बैट्समैन इनके लगभग लगभग सारे आउट हो चुके हैं, राइट हैंड बैट्समैन। ओके ये मेरे को बॉलर कोई पेसर चाहिए, पेसर बॉलर चाहिए मेरे को, है कोई टीम में तो कुलदीप यादव, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा,
रविंद्र जडेजा, कोई नहीं है, कोई पैसा नहीं बचा। कुलदीप यादव है, सीधे हाथ में तो नहीं जानी चाहिए वहाँ, बहुत बढ़िया, मतलब हाथ में आई, ये अच्छी बात है। पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है, लेंथ अच्छी गिर रही है, लाइन में गड़बड़ हो जा रही है, सारी की सारी गड़बड़ ना लाइन में हो रही है। अगर लाइन सही गिर जाए ना तो ये सब प्रॉब्लम होए ना। हाँ ये यही तो लाइन रखनी है, यही लाइन रखी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वाइट नहीं, वाइट नहीं, वाइट नहीं, बिल्कुल वाइट नहीं, यहाँ पे अफोर्ड ही नहीं कर सकते वाइट तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कुलदीप। फिर से, और ये वो आउट है क्या, आउट है क्या, एज लगा है क्या, अंपायर नहीं लगा। ओके, मेरे को भी नहीं पता, मैंने जस्ट ऐसी अपील कर दी, एज तो नहीं था ये। सिंगल, सिंगल ही मिलना चाहिए, सिंगल से बढ़कर कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ओवर जाता हुआ, अभी तक कोई भी बाउंड्री नहीं गई है यहाँ पे, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि इस टाइम पर बाउंड्री। अरे यार नहीं, यार नहीं, छक्का तो बिल्कुल नहीं जाना था, मैं कह रहा कोई बाउंड्री नहीं गई है और यहाँ छः चला गया। शेड, 12 बॉल पे 4 रन, अब क्या मैच बचा है, बुरा लग रहा है नेदरलैंड से हारने के बाद तो, इतना खराब, वाइट और चली गई। वैसे टोटल रन बहुत कम थे, इंडिया ने रन ही बहुत कम बनाए, बैट्समैनों की गलती थी, बॉलर तो खूब लड़े, ये तो बॉल थी ना, ये वाइट थोड़ी, हाँ ये वाइट नहीं है, बॉलर तो खूब लड़े, बॉलरों ने तो बहुत अच्छा किया। कैच, एक और विकेट मिलेगा यहाँ पे, देखो बॉलर तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे, ये 7वां विकेट मिलने वाला है नेदरलैंड को, और मिल भी गया, और मिल भी गया। ये क्या हुआ, क्या हुआ, ओले, ये क्या लगान चल रहा है, कैच होने के बाद छक्का चला गया, बाउंड्री पार कैच करी थी फील्डर ने, हाँ कैच बाउंड्री पार करी थी यार, अभी क्या लगान मूवी है, ये चल क्या रहा था यहाँ पे, कौन था वो कैच, कौन था वो फील्डर, दिखाया भी नहीं, रिप्ले भी नहीं दिखाया। नेदरलैंड 1-4 विकेट्स, बहुत ही निराशाजनक हार हुई है आज हमारी, उम्मीद नहीं थी मुझे इतनी गंदी हार हो जाएगी, इतना बुरा तो श्रीलंका ने भी नहीं हराया था, श्रीलंका ने भी सुपर ओवर में जाके हराया था, और यहाँ पर नेदरलैंड ने तो ऐसे हराया है जैसे इंडिया, मतलब राइट हैंडेड जो है वो लेफ्ट हैंडेड खेल रहे हैं, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा था, बहुत ही बुरा, बहुत ही बुरा, बहुत बुरा यहाँ पे हुआ। या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि इंडिया को हारना ही था, एक आधा मैच तो लगातार सारे मैच जीतती आ रही थी, तो ऐसे ही बस टोटका था ये इंडिया का, जो भी था यही था। बाकी भी तुम्हें अगर मैच देखने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर देख सकते हो बाकी के सारे मैच। और ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना वीडियो मज़ा आया कि नहीं, अगर आया तो कमेंट कर देना, नहीं आया तो भी कमेंट कर देना, कुछ भी अच्छा बुरा जो तुम्हें लगे वो कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।